वेलकम टू इंडिया न्यूज़। सो आज का जो टॉपिक है उसमें हम लोग बात करने वाले हैं, इंडिया मेड हिस्ट्री, इसरो रीयूजेबल लॉन्च सक्सेसफुल। सो जैसा कि हेडिंग ही बता रही है कि इसके अंदर हम लोग बात करने वाले हैं, इसरो ने जो अभी नया RLV रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल जो है उसका जो सक्सेसफुल टेस्ट किया है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये टेस्ट जो है वो कंडक्ट किया गया है बेंगलुरु के पास में, 220 किलोमीटर बेंगलुरु से दूर एक जगह है चित्रदुर्गा। चित्रदुर्गा के अंदर ये टेस्ट हुआ है और टेस्ट के अंदर जो है इंडियन एयरफोर्स ने भी बहुत हेल्प की है इसरो की, और ये बड़ा ही मतलब कि प्राउड मोमेंट है इंडिया के लिए, बिकॉज़ बहुत ही कम देश हैं दुनिया के अंदर जिन्होंने इस टेस्ट को सक्सेसफुल किया है। अगर हम लोग यहाँ पर पढ़ें जो डिटेल्स दी हुई हैं, जैसे द स्पेस एजेंसी यूज्ड अ स्केल डाउन वर्जन ऑफ RLV टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटेड RLVTD, द एक्चुअल व्हीकल विल बी 1.6 टाइम्स लार्जर देन द वन यूज्ड ऑन संडे। सो जो संडे को ये टेस्ट हुआ है वो जो व्हीकल यूज़ हुआ है ये एक टेस्ट व्हीकल है, और जो एक्चुअल व्हीकल होगा जिसको कि लॉन्च किया जाएगा बाद में, ये इससे 1.5 गुना ज़्यादा बड़ा होगा। और इस एक्सपेरिमेंट के अंदर अगर हम बात करें तो ये अभी वन ऑफ द टेस्ट है, अभी और भी टेस्ट होने हैं जिसके अंदर इससे भी ज़्यादा रगड़ वेदर के अंदर और सिचुएशंस के अंदर इसको टेस्ट किया जाएगा। तो अगर हम बात करें तो इंडिया के अलावा अभी तक ये टेक्नोलॉजी SpaceX के पास है और नासा ने इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया है। बाकी रशिया अभी तक कोशिश कर रहा है, उसने अभी तक इसका कोई टेस्ट नहीं किया, और चाइना चाइना इसको कई बार कोशिश कर चुका है करने के लिए लेकिन फेल हो गया इसको करने में। अगर हम लोग स्क्रीन पर देखें तो इसरो ने इसके लिए ट्वीट भी किया है यहाँ पर, जहाँ पर इन्होंने कॉन्ग्रेचुलेशन किया है इसरो DRDO को, सक्सेसफुली कंडक्टिंग रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल ऑटोनोमस लैंडिंग मिशन फॉर एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज। जो एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज है यहाँ पर, ये जो टेस्ट था ये RLV का सुबह 7:10 पे हुआ था, और इसके लिए जो इसरो ने हेल्प ली थी वो इंडियन एयरफोर्स की ली थी। इंडियन एयरफोर्स का चिनूक हेलीकॉप्टर है, इसका इसके अंदर यूज़ किया गया था, और इसको करने के लिए सबसे पहले जो है इसको 4.5 किलोमीटर 4.5 किलोमीटर की हाइट पर चिनूक हेलीकॉप्टर इस स्पेस शटल को, इसको व्हीकल को लेके गए थे। और ये डिफरेंट भी इसलिए क्योंकि यूजुअली जो भी अभी तक यूज़ किए गए हैं रीलॉन्च व्हीकल्स उसके अंदर रॉकेट्स का डायरेक्ट यूज़ हुआ है, लेकिन ये पहली बार है कि हम लोग जो यूज़ करने जा रहे हैं ये इंडिजिनस टेक्नोलॉजी है जिसमें कि हम शटल के यूज़ करेंगे, शटल जो है पहली बार यूज़ हुई है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि इंडिया की जो ये टेक्नोलॉजी है पूरी तरह इंडिजिनस है, ये डिफरेंट है दूसरी जितनी भी कंट्रीज़ हैं जो अभी तक फ़िलहाल इसके ऊपर काम कर रही हैं उनसे। और ये टेस्ट जो ये टेस्ट हुआ ये सुबह 7:10 पर शुरू हुआ था और 7:40 पर ये सक्सेसफुली इन्होंने कंप्लीट कर लिया था। और कमाल की बात ये है कि इसमें किसी भी तरीके से जो अपना स्पेस सेंटर है उसके अंदर से इसको नहीं कंट्रोल किया गया, इसके अंदर ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर नेविगेशन सिस्टम था जो इंटीग्रल है, जिसने इसको पूरे को नेविगेट किया है वहाँ से छोड़ने के बाद नीचे आने के लिए। सो टोटल जो है एक तरह की AI सिस्टम है जिसको इसके अंदर इंट्रोड्यूस किया गया है, जो कि बहुत कमाल की बात है। इसमें बहुत सारे अगर हम पॉइंट्स की बात किए जाए तो इसके अंदर ये रीयूजेबल है, इसका मतलब ये है कि भैया आप इसको बार बार यूज़ कर सकते हैं, यानी ये नहीं है कि जैसे यूजुअली जो भी अभी तक यूज़ किए गए हैं उनके अंदर जो टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है उसमें बूस्ट थ्रस्टर्स का यूज़ किया जाता है, यानी कि 80% जो पार्ट होता है वो 80% पार्ट जो रॉकेट का होता है वो जब भी रॉकेट स्पेस के लिए छोड़ा जाता है वो वेस्ट हो जाता है, वो स्पेस के अंदर रॉकेट जाता है और जैसे ही वो हमारे सरफेस को पार करता है पृथ्वी की और स्पेस में एंटर करता है तो बूस्टर्स जो हैं उससे डिस्कनेक्ट हो जाते हैं और वो अपना नीचे आके गिरते हैं, वो दोबारा रीयूज़ नहीं हो सकते, वो कहीं समुद्र में गिरेंगे, कहीं पर जाके ऐसी जगह गिरेंगे जहाँ पर भी या ह्यूमंस को या ह्यूमन पॉपुलेशन ना हो वहाँ पर जाके वो गिरते हैं। और इसके अंदर अगर हम कुछ कपल ऑफ पॉइंट्स की बात करें जो कि इसके अंदर हम लोग बात कर सकते हैं, वो ये है कि RLV सेव्स वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज, दैट मीन्स कि जब पहले यूज़ किए जाते रहे अभी तक और जो कि आज भी यूज़ किए जा रहे हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के द्वारा, उन सभी व्हीकल्स के अंदर
बूस्टर्स थ्रस्ट का यूज़ होता है, और वो सारा का सारा जाता है वेस्ट, यानी बहुत सारे एसेट्स रिसोर्सेज जो हैं वो दोबारा यूज़ नहीं हो पाते, और ये मिलियंस ऑफ डॉलर्स के होते हैं, और इसी वजह से ये वेस्ट जो है वो बहुत महंगा बना देता है स्पेस प्रोग्राम्स को। इसके अंदर अगर हम दूसरे पॉइंट की बात की जाए तो सेव लॉट्स ऑफ मनी, मिलियंस ऑफ डॉलर्स विल बी एबल टू सेव, 80% ऑफ द कॉस्ट टू बी सेंट टू एनी थिंग इन स्पेस। सो नॉर्मली जो भी कॉस्ट लगती है उसके अंदर 70 से 80% जो वेस्ट जाता था वो बच जाएगा, यानी 80% से ज़्यादा कॉस्ट जो है वो ये सेव करवाएगा इंडियन स्पेस प्रोग्राम्स की। सोचिए हम कितने मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो हैं इसमें सेव करने वाले हैं, और साथ साथ कमाल की बात ये है कि ये जो आगे हमारे चलने वाले इसरो के प्रोग्राम्स हैं जो आज के टाइम में करोड़ों हज़ारों करोड़ों डॉलर्स जो है वो इंडिया को कमा के दे रहे हैं, वो प्रोग्राम को बहुत ज़्यादा बल मिलेगा, बहुत ज़्यादा ताकत मिलेगी, क्योंकि ये हमको कमा के देगा बहुत सारे पैसे। सो यही हमारा थर्ड पॉइंट है, इट विल मेक लॉट्स ऑफ मनी। अगर हम स्पेस एक्स की बात की जाए जो कि पहली एक ऐसी कंपनी है जिसने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल्स को बनाया और उनका यूज़ हो रहा है, जिसकी वजह से नासा जैसी एक स्पेस एजेंसी ने करोड़ों रुपए अपने बचाए हैं। आप ये देखिए कि एक नॉर्मल सिस्टम को स्पेस एक्स जब भेजता था तो उसके लिए 97 मिलियन एक बार लॉन्च के अंदर उनके खर्च होते थे, लेकिन रीयूजेबल व्हीकल यूज़ होने के बाद से ये कॉस्ट जो है वो घटकर आ गई है 57 मिलियन पे, और ये था 2019 में, और इन्होंने सेव किया करीबन 26 मिलियन एक लॉन्च पे। सो करीबन 500 मिलियन से ज़्यादा तो उन्होंने 2019 के अंदर सेव किए हैं, और अभी 2020, 21, 23 का तो डेटा भी आया ही नहीं है, तो सोचिए अभी टाइम के साथ में जो आगे बढ़ा होगा उसमें कितना ज़्यादा उनका पैसा और ज़्यादा सेव हो रहा है। और इसी में अगर हम तीसरे के बाद चौथे पॉइंट की बात करें तो इसमें बिग कंट्रीज़ लाइक चाइना फेल टू मास्टर दिस टेक्नोलॉजी। चाइना बहुत लंबे टाइम से कोशिश कर रहा है कि वो RLV को अपने यहाँ पे मास्टर कर ले, वो ऐसा प्रोग्राम लॉन्च बना दे जिससे कि वो भी रीयूजेबल टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकें, बट दे आर नॉट एबल टू यूज़ इट, और बहुत लंबे टाइम से उन्होंने कोशिश की है और कर रहे हैं लेकिन अभी तक मास्टर नहीं कर पाए, और ये बहुत प्राउड की बात है कि इंडिया ने उस टेक्नोलॉजी को मास्टर कर लिया, और बहुत ही जल्दी आप देखेंगे कि ये लॉन्च व्हीकल बहुत सारे सैटेलाइट्स और डिफरेंट स्पेस प्रोग्राम्स के लिए यूज़ किए जाएंगे। रशिया यूक्रेन वॉर में अभी फंसा हुआ है तो उन्होंने कोशिश की, उनका टारगेट भी है कि 2026 के आसपास तक वो लोग अपना ये स्पेस प्रोग्राम जो है वो रीयूजेबल के ऊपर पूरी तरह शिफ्ट कर दें, दैट मीन्स कि वो जो बूस्टर्स और थ्रस्टर्स का यूज़ किया जाता था उसको पूरी तरीके से ख़त्म कर दें और इस टेक्नोलॉजी पे आ जाए। और जो सबसे प्राउड बात है वो है ये इंडिजिनस टेक्नोलॉजी, यानी इंडियन साइंटिस्ट ने इसको इन हाउस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है, इसके लिए बनाया गया सिस्टम सॉफ्टवेयर हार्डवेयर सब कुछ इसरो और DRDO ने अपने यहाँ एक्सपेरिमेंट करके तैयार किया है। और अगर हम इस प्रोग्राम की बात किए जाएँ तो ये 2-स्टेज शटल फॉर्मूला है, दैट मीन्स जो नॉर्मली यूज़ होते हैं उनमें बूस्टर्स लगते हैं, और जो स्पेस एक्स भी यूज़ करता है उसके अंदर भी वो एक सिंगल स्पेस का जो आपका थ्रस्टर है उसका यूज़ करता है जो कि वापस आ जाता है बाद में नीचे उतर के। हमारे वाले में भी सेम इसी तरीके से होगा, इसमें सिंगल बूस्टर लगेगा जो कि इसको पुश करेगा हमारे एटमॉस्फेयर से बाहर भेजने के लिए रॉकेट को, और जैसे ही हमारा रॉकेट हमारे एटमॉस्फेयर से बाहर जाएगा ये वैसे ही जैसे गया था उसी तरीके से वापस अपने लैंडिंग स्पॉट पे आकर लैंड करेगा, विच इज़ अ ग्रेट टेक्नोलॉजी, और इससे हम लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है इन फ्यूचर के अंदर। और इसी वजह से आज के टाइम पर बहुत सारी यूरोपियन और अमेरिका और डिफरेंट कंट्रीज़ जो हैं इस टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रही हैं, और इंडिया और इसरो से कांटेक्ट कर रही हैं इन फ्यूचर के लॉन्चेस के लिए, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। इसके अंदर इंडियन एयरफोर्स का रोल क्या रहा है, इंडियन एयरफोर्स ने इसके अंदर चिनूक हेलीकॉप्टर्स का साथ दिया, साथ साथ में उन्होंने हेल्प की है इसको ले जाने में, एरोनॉटिक्स के अंदर हेल्प की है, स्पीड और अलग अलग चीज़ों के अंदर इन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया है अपना, कितनी हाइट के अंदर कैसे और क्या चीज़ की जाती है, तो इंडियन एयरफोर्स का भी इसमें बहुत ज़्यादा योगदान है और इसके लिए हमें उनकी प्रशंसा करनी चाहिए कि भैया ये बहुत कमाल की चीज़ है कि किस तरीके से हमारे यहाँ की अलग अलग एजेंसीज मिलके हमारे यहाँ पे अलग अलग टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए एक साथ आई हैं। अगर हम बात करें मार्केट कॉम्पोजिशन की, जिसका कि सब जगह बात हो रही है, कॉम्पिटिशन इसलिए इम्पॉर्टेंट कि आज के टाइम पे जो कॉस्ट पड़ती है
किसी भी व्हीकल को स्पेस में भेजने के लिए, अगर हम स्पेस एक्स की बात करें, ये बात करते हैं 57 बिलियन डॉलर्स की। और इंडिया ये क्लेम करता है कि किसी भी टाइप का कार्गो, चाहे वो सैटेलाइट हो चाहे कुछ हो, ये 4,000 डॉलर्स के अंदर स्पेस में पहुंचा देंगे। तो 4,000 और 57 मिलियन, दोनों के बीच का डिफरेंस इतना बड़ा है कि वो स्पेस एक्स की मार्केट को पूरी तरह से डिफीट कर देगा। सो इसी वजह से आज के टाइम में RLV की इतनी ज़्यादा बात हो रही है और बाहर की कंट्रीज इसमें आज के टाइम में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। आप सोचिए स्पेस में जाना कितना ज़्यादा सस्ता हो जाएगा। 4,000 डॉलर कितना होता है? 4,000 डॉलर के अंदर यूजुअली लोग प्लान करते हैं हॉलीडेज, और 4,000 डॉलर के अंदर स्पेस में कोई सैटेलाइट भेज दे, स्पेस में कोई भी कार्गो भेज दे, जो कि किसी भी सैटेलाइट या स्पेस स्टेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, तो सोचो कितना बड़ा डिफरेंस आएगा। इसी वजह से ये बहुत प्राउड मोमेंट है इंडिया के लिए कि हमने ऐसी टेक्नोलॉजी को आज के समय पे सक्सेसफुली अपने यहाँ पे बना लिया है, जो कि स्पेस प्रोग्राम की रेस को पूरी तरीके से बदल देगा। दूसरी कंट्रीज़ को भी सोचना पड़ेगा इन फ्यूचर के अंदर कि इसरो की जो आज वैल्यू है वो शायद कल को नासा या दूसरी स्पेस एजेंसी से बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाएगी, क्योंकि ये ना सिर्फ बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि कॉस्ट बचाता है, बल्कि ये पैसा कमा के देने के लिए भी इंडिया के स्पेस प्रोग्राम को बहुत ज़्यादा मदद करेगा। सो इट इज़ अ प्राउड मोमेंट। न्यूज़ इंडिया इस प्रोग्राम के लिए इसरो को, DRDO को और इंडियन एयरफोर्स को बहुत बहुत बधाई कर देता है, और साथ ही साथ अपने सारे दर्शकों को भी बधाई देता है। और आज के इस टॉपिक के ऊपर बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, वहाँ पर हम कुछ और अपडेट के साथ आएंगे। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।